भारत का पुराना संसद भवन अब संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी संसद भवन में भगत सिंह ने बम फेंककर अंग्रेजों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाई थी कि देश की आजादी का रण संग्राम शुरू हो चुका है। इसी संसद भवन में 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था कि भारत स्वतंत्र देश बन चुका है। ये वही संसद भवन है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की जनता को एक दिन का उपवास रखने को कहा था। इसी संसद भवन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह घोषणा की थी कि भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। और इसी संसद भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना बहुचर्चित भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। गाइस, भले ही पुराना संसद भवन अब एक ऐतिहासिक वस्तु बन के रह गया है, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में ताजा रहेंगी। आपको इन पांचों घटनाओं में कौन सी घटना सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। नई संसद में जिस महिला आरक्षण बिल पर घमासान चल रहा है, उसे पास करवाने में 27 साल का समय क्यों लग गया, चलिए जानते हैं। देखिए, इस बिल को सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को देवेगौड़ा सरकार ने पेश किया था, लेकिन उस समय सरकार में शामिल जनता दल ने ही इसका विरोध कर दिया। इसके बाद 16 मई 1997 को भी कांग्रेस इस बिल को लाई थी, लेकिन इस बार भी सरकार में शामिल दलों ने इसका विरोध कर डाला। इसके बाद साल 1998 में बिल फिर से पेश किया गया, लेकिन उस समय आरजेडी के नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लोकसभा स्पीकर से इस बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दी थी और हंगामा मचा दिया था। 1998 के बाद से 2010 तक इस बिल को समर्थन ना मिलने की वजह से ये बिल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ये बिल राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इतनी दिक्कतों के बाद आखिरकार अब मोदी सरकार के कार्यकाल में महिला आरक्षण बिल पास हो पाया है। और मजे की बात तो ये है कि इस बार इसे विपक्षी नेताओं का भी समर्थन मिला है, इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। गाइज, ये तो आप जानते हैं कि आजकल की पुलिस बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। वो पुराने जमाने आजकल नहीं रहे जब किसी गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस को घोड़ों पे बैठ के जाना पड़ता था। आज पुलिस के पास बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां हैं, लेकिन आज के समय में भी पुलिस ब्राजील में आपको भैंस पे जाते हुए दिख जाएगी। जी, आप ठीक सुन रहे हैं, उनका साधन एक भैंस है। कितनी अजीब लगती होगी ना, लेकिन उसके पीछे का भी एक रीजन है। जब वहां की पुलिस को अमेजोन के जंगलों में जाना होता है तो भैंस से अच्छा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि भैंस इतनी आसानी से फिसलती नहीं है। हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन यही सबसे अप्रोप्रिएट है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2016 में ऑस्ट्रेलिया से मार्क नाम का एक लड़का अपने पिता को लेके जैसे ही हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए पहुंचा तो कुछ दूरी पर उन्हें पिंक कलर की बॉल नुमा एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद कोई नाव पलट गई है, लेकिन थोड़ा पास गए तो समझ में आया नाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज थी। लेकिन जब बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया था कि व्हेल की डेड बॉडी है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत उसे दूर भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। होता कुछ यूं है कि व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब चमड़ी मोटी होने की वजह से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट पड़ती है। अब अगर ऐसा कुछ दिखे इन फ्यूचर तो सावधान जरूर रहिएगा।